लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन की रुनुमाई, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की शिरकत। ट्रेन 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करेगी। वजीर आला पंजाब का कहना है, नियाजी खान लाख तरदीद करे, मंसूबे से पूरे मुल्क को फायदा होगा। चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम फाइनल। वजीर आजम के साथ तवील मुशावरत के बाद नाम पर इत्तफाक हुआ। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं, दुआ है चेयरमैन नैब को सियासी न बनाया जाए। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का मामला। मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर कल एहतसाब कोर्ट में पेश होंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का इम्कान। नैब जराए के मुताबिक काबिल जमानत वारंट के बायस मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दुनिया जानती है ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। अदालती निजाम को आजमाएंगे। लंदन से वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हसन और हुसैन नवाज अपनी वतन वापसी का फैसला खुद करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, नवाज शरीफ चोरी बचाने के लिए फौज और अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहे हैं। फजलुर रहमान इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इमरान खान ने फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। अमरीका अफगानिस्तान में दाइश को असलहा फराहम कर रहा है। दाइश के लोग अमरीकी अड्डे इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक अफगान सदर हामिद करजई का बड़ा इल्जाम, कहते हैं शिदत पसंद तंजीम अमरीका के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल करती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने कब्रज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त दे दी। कहते हैं रिटायरमेंट के से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। बोझल दिल मगर इत्मीनान के साथ कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त की। सियालकोट में नई नवेली दुल्हन को जिंदा जला दिया गया। शौहर बिलाल ने बहन के साथ मिलकर बीवी को आग लगाई। खातून का 70% चेहरा और जिस्म बुरी तरह झुलस गया। तश्वीशनाक हालत में मेयो अस्पताल लाहौर मुंतकिल। और दुबई टेस्ट का आज तीसरा रोज कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। ओपनर्स शान मसूद और समी असलम पेविलियन लौट गए। श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग 482 रन बनाई। ट्वेंटी फोर न्यूज बाखबर।